गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे दोस्तों नर्स सेड और ESIC स्पेशल 2021 का, जो कि किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है। मैं जो डिस्कशन करूंगा, माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इमेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा ये पार्ट सिक्स है, इसको जरूर याद रखिए। अगेन वन सेकेंड, आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलो दोस्तों देखेंगे आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो प्रोसीज्योर है, ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन प्रोसीज्योर है, ओके, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन दिस पिक्चर। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन का जब करते हैं हम, ये कौन सा स्टेप है? इसका ए ऑप्शन में इंस्पेक्शन, बी ऑप्शन में पल्पेशन, सी ऑप्शन में परकशन, डी ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, व्हाट माइट बी द राइट आंसर। पुट करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। ओनली 5 सेकेंड विल बी गिवन। ओके, सो द आंसर विल बी क्या होगा, ये जो कर रहे हैं ये क्या है, पाल्पेशन है, इसको जरूर याद रखना है। ओके, पाल्पेट कर रहे हैं, इसको जरूर याद रखना है, आंसर विल बी द पाल्पेशन। ओके, आंसर देखो ऊपर में लिखा गया है, ओके, पाल्पेशन बोल के, इसको जरूर याद रखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे नंबर टू में, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन दिस पिक्चर। ओके, ये फिजिकल एग्जामिनेशन का कौन सा स्टेप है जिसमें देखो टेथोस्कोप यूज किया जा रहा है, ओके, और इसका एपिकल पल्स और वी कैन से हियर हार्ट बीट, ओके, जो इसको क्या कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पेक्शन, उसके बाद आ गया बी ऑप्शन में पल्पेशन, सी ऑप्शन में परकशन, डी ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, पुट अप करिए। सो राइट आंसर विल बी द, ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा, ओके, ऑस्कल्टेशन, वेरी गुड गीता गुड, यू आर गिविंग द राइट आंसर डियर, दैट इज ऑस्कल्टेशन होगा। ओके, देयर इज नो डाउट, ऑब्वियसली इट इज ऑस्कल्टेशन होगा। ओके, आंसर विल बी, देखो इसका ऊपर में लिखा हूँ, ओके, ये ऑस्कल्टेशन होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर थ्री में, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन दिस पिक्चर। ओके, देखो ये हेल्थ केयर पर्सनल है जो कि क्या कर रहे हैं, एक आदमी का, ओके, ओरल कैविटी को देख रहे हैं, ओके, एक ओरल कैविटी को देख रहे हैं। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन का कौन सा स्टेप है, ओके, व्हिच स्टेप ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन इन दिस पिक्चर। ए ऑप्शन में इंस्पेक्शन, बी ऑप्शन में पल्पेशन, सी ऑप्शन में परकशन, डी ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन। ओके, प्रचेष्टा उड़ीसा, वेरी ओके, जुहार डियर। ओके, सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, आर यू गेटिंग साउंड और नॉट? ओके, सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड, ओके, ऑस्कल्टेशन। ओब्वियसली दैट आंसर विल बी द इंस्पेक्शन होगा। ओके, ओरल कैविटी में किसी लिए देखेंगे, इस ओरल कैविटी में, वेरी गुड, ओके, ओरल कैविटी, दिस वन इज द राइट आंसर। ओके, ओरल कैविटी हमको क्या देखना है, इंस्पेक्शन, ओके, गम्स वगैरह स्वेलिंग हुआ है कि इन्फ्लामेशन हुआ है क्या, जिंजिवाइटिस, ग्लूसाइटिस, स्टोमाटाइटिस,
डेंटल डीके ये सब चीज देखना है ओके। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंस्पेक्ट ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है जरूर ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर फोर में ओके। देखो यहाँ पर ओके मीन बैक साइड ऑफ द मीन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द दैट इंडिविजुअल, माने दिस इंडिविजुअल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल इज गोइंग टू बी टेड बाय द फिजिशियन ओके। क्या कर रहे हैं? टेपिंग कर रहे हैं ओके। बैक साइड मीन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी ओके। क्या कर रहे हैं? टेपिंग कर रहे हैं ओके। टू फाइंड आउट द लिवरल इफ्यूजन वगैरह है क्या, फ्लूइड एक्युमुलेशन हुआ है क्या ओके, इसको देखने के लिए ओके टेपिंग कर रहे हैं, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन का एक टू स्टेप है। तो इस स्टेप का नाम क्या है? ए ऑप्शन में इंस्पेक्शन, बी ऑप्शन में पल्पेशन, सी ऑप्शन में पर्कशन ओके, डी ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर ओके। तो आंसर पुट अप करिए, राइट आंसर क्या होगा ओके। वेरी गुड इवनिंग डियर ट्रिपल एस खान ओके। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स व्हाट माइट बी द राइट आंसर ओके। इफ एनी टेपिंग स्टेप इज डन ओके टू नो अबाउट द वेदर फ्लूइड एक्युमुलेशन देयर, वेदर गैस इज देयर ओके, सो इन दैट केसेस व्हाट विल हैपन, वी नीड टू डू फोर सी दैट इज पर्कशन। वेरी गुड गीता गौड़, विजन सी, विजन जेम एलोंग विथ ऑल आर टेलिंग दैट राइट आंसर दैट इज फोर सी होगा ओके। इसका आंसर भी मेंशन कर दे रहा हूँ मैं ऊपर में, देखो पर्कशन लिखा गया है ओके। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन पर्कशन, देखो ऊपर में ही मेंशन कर दे रहा हूँ ओके। नो नीड टू कन्फ्यूज अबाउट ओके व्हिच वन विल बी द ओके राइट आंसर ओके। नेक्स्ट विल कम बैक टू फाइव नंबर देखेंगे, देखो ओके फाइव नंबर आइडेंटिफाई द पिन पॉइंट नॉन ब्लांचिंग स्पॉट दैट मेजर लेस देन 2 मिलीमीटर इन साइज व्हिच अफेक्ट्स द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन दिस पिक्चर। सो लुक हियर, दिस वन इज द पिन पॉइंट नॉन ब्लांचिंग स्पॉट हमको देखने को मिल रहा है ओके। पिन पॉइंट नॉन ब्लांचिंग स्पॉट देखने को मिला है जिसका साइज कितना कितना मिलीमीटर होगा, लेस देन 2 mm होगा उसका साइज, जो कि ज्यादा करके हमको कहाँ पर देखने, स्किन में देखने को मिलेगा एलोंग विद म्यूकस मेम्ब्रेन में देखने को मिलेगा। सो हियर हमको कहाँ देखने को मिला है, स्किन में देखने को मिला है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल टेल हियर ओके, व्हाट विल टेल हियर। सो इन द ऑप्शन ए यू विल गेट द पेटेची, ऑप्शन बी में परप्यूरा, ऑप्शन सी में ब्रुइज, ऑप्शन डी में चिकन पॉक्स। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग होम, इसका राइट आंसर क्या होगा। जब भी ऐसा टाइप का हमको अगर देखने को मिलेगा जैसे ITC ओके इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा ओके, उसमें भी हमको पेटेची भी देखने मिलेगा ओके। परप्यूरा तो देखने को मिलेगा ओके। यू कैन ऑल्सो सी ओके इन केस ऑफ पेशेंट इज हैविंग ओके, हम बोल सकते हैं ये प्लास्टिक एनीमिया भी हमको देखने को मिलेगा ओके। बोन मैरो हाइपोप्लासिया जहाँ हुआ होगा, मीन जहाँ पर थ्रोम्बोसाइट काउंट कम हुआ होगा वहाँ पर हमको पेटेची देखने को मिलेगा ओके। वेदर आपका आंसर क्या, आर का क्वेश्चन क्या रहेगा, वेदर पेटेची विल बी सीन इन कहाँ पर देख सकते हैं, सीन इन ये प्लास्टिक एनीमिया ओके। तो क्या होगा आंसर, आपका आंसर क्या होगा ओके, आंसर विल बी यस और नो, वुड योर आंसर ये प्लास्टिक एनीमिया में हम पेटेची देखने को मिलेगा कि नहीं ओके। ऑब्वियसली देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर जो स्पॉट देखने को मिलेगा ओके, वहां पर जो स्पॉट देखने को मिलेगा वो थोड़ा पर्पल स्पॉट रहेगा ओके। सो हियर द आंसर विल बी द 5A होगा, इसको जरूर याद रखना है ओके। वेरी गुड प्रचेष्टा ओके ट्रिपल एस खान ओके, ऑल आर टेलिंग द राइट आंसर डियर पेटेची, इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट विल सी इसका जो आंसर देखेंगे पेटेची ओके, ऊपर में ही ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ ओके। उसके बाद देखेंगे हम नंबर 6 में, देखो ओके लुक योर वन पिक्चर इज गिवेन टू यू ओके, वन पिक्चर हैज ऑलरेडी बीन ओके, यहाँ पर देखो दिया गया है ऑलरेडी बीन गिवेन। सो देखो ये जो है ये लार्जर वन है ओके, जितना हम पेटेची में देख रहे थे वो थोड़ा स्मॉल था। यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है ये लीजियन, ये क्या है, लार्जर है एज कम्पेयर टू पेटेची। यहाँ पर क्या है अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, जो लीजियन है ये थोड़ा बढ़ा हुआ जैसा लग रहा है, रेच्ड लीजियन देखने को मिलेगा।
कौन सा टाइप का लीजन देखने को मिला? रेज्ड लीजन। देखो यहां पर मैं एक थो राउंड किया हूं, ओके? यहां पर क्या हो रहा है, मीन विद इन द स्किन में क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, मीन इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, ओके? बेसिकली दिस काइंड ऑफ केसेस विल सी इन केस ऑफ आईटीसी, दैट इज इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसको जरूर याद रखना है, परफ्यूरा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। तो इसका ऑप्शन में देखो क्या दिया है, पेटेची, परफ्यूरा, ब्रुई, चिकन पॉक्स, तो आंसर क्या होगा? सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग। व्हाट माइट बी द राइट आंसर, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा? जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड वेट कर रहा हूँ, आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर बोला हूँ पेटेची तो नहीं होगा, पेटेची यू टू नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि प्लेटेची जो क्या है, लार्जर है, रिच लीजियन है, इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, ओब्वियसली सिक्स बी होगा, दोज हुए गिवन निहारिका बेहरा एलोंग विथ ट्रिपल स्कैम, देयर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड डियर। सिक्स ए नहीं होगा डियर गीता गुड, सिक्स ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं यहाँ लार्जर साइज को हमको देखने को मिला है, लार्जर साइज, उसके बाद रेच लीजन, मीन थोड़ा वो जो लीजियन है, देखो ये लीजियन है, थोड़ा वो स्किन का ऊपर में थोड़ा बढ़ा हुआ जैसा लग रहा है, जैसे जस्ट लाइक ए, बॉयल तो नहीं बोल सकते हैं, जस्ट लाइक ए हम क्या बोलते हैं, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि जस्ट स्किन एलिवेट किया हुआ होगा, अब जब उसमें टच करेंगे ऐसा लगेगा कुछ चीज बढ़ा हुआ है, सच टाइप ऑफ लेजियन विल सी दैट, देयर साइड इज नोन एज रेस्ट लेजियन बोलेंगे उसको, इसका आंसर क्या होगा, परप्यूरा होगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट हम देखेंगे सेवन में, लुक हियर, दिस वन इज द बोन, दिस वन इज द एक्सरे फिल्म, ऑफ द बोन वेयर ब्रोकन हैज ऑलरेडी बीन डन हियर, ब्रोकन यहाँ पर हो गया है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी बोन हो गया। प्रोचेस्टा उड़ीसा पॉक्स, चिकन पॉक्स नहीं होगा डियर, चिकन पॉक्स तो आपका ट्रंक में स्टार्ट होगा, इसका स्पेसिफिक एरियाज है, पहले वहाँ एरिया में दिखा देखने को मिलेगा, बट दिस काइंड ऑफ हमको पैचेस हम चिकन पॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, सो दिस इज नॉट ए चिकन पॉक्स, उसको रास बोलते हैं, चिकन पॉक्स का रास नहीं है, वो माइक्यूलो पेपुलर रास बोलते हैं, चिकन पॉक्स में जो ये होता है उसको माइक्यूलो पेपुलर रास बोलते हैं, मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में। तो अभी क्वेश्चन का मेरे को आंसर दीजिए, ये देखो यहाँ पर एक तो बोन है जो कि फ्रैक्चर हो गया है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक ऑफ ब्रोन ब्रोकन बोन वेयर द ब्रेक इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग प्लेन ऑफ द बोन इन दिस पिक्चर, सपोज दिस वन इज द क्या है, देखो यहाँ पर ही एक तो बोन है, यहाँ पर अगर राइट एंगल क्या हो जा रहा है, राइट एंगल भी क्या हुआ है, जस्ट आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, उसी पॉइंट को आ रहा हूँ, सपोज दिस वन इन द बोन राइट एंगल भी क्या हो रहा है वो, देखो यहाँ पर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, देखो राइट एंगल टू लॉन्ग प्लेन, एक तो बोन था वो लॉन्ग प्लेन में था, सच में ऐसा लग रहा है कि राइट एंगल यहाँ पर क्रिएट हो गया है, सो दिस काइंड ऑफ बोन को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे, या ये ब्रोकन बोन को हम क्या बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर जाने से पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, बी ऑप्शन में ओपन फ्रैक्चर, सी ऑप्शन में क्लोज फ्रैक्चर, डी ऑप्शन में कंपाउंड फ्रैक्चर, सो व्हाट इज फ्रैक्चर, अगर आपको किसी ने पूछता है अरे फ्रैक्चर क्या है, तुम तो बोल दिया ये ट्रांसवर्स है, ओपन है, क्लोज है, कंपाउंड है, तो फ्रैक्चर क्या है, किसी भी बोन में अगर एनी ब्रेक और एनी कॉन्टिन्यूटी, एनी ब्रेक और एनी कॉन्टिन्यूटी हम देखते हैं बोन में, तो उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर बोलेंगे। तो फ्रैक्चर को याद रखो, हेच स्टाइल में सिग्नल, मीन साइन में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द सिंबल ऑफ फ्रैक्चर, जहाँ पर भी ऐसा लिखा गया होगा तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि फ्रैक्चर है। यहाँ पर सपोज फीम हेड ऑफ फीमर लिखा गया या प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ फीमर लिखा गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि और सर्जिकल नेक ऑफ हीमेरस बोला गया,
ऐसा लिखा गया है और सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस बोला गया। तुम ऐसा ऑप्शन जहां पर रहेगा यू शुड थिंक दैट, और आपको वहां पर कन्विंस हो जाना चाहिए कि ये फ्रैक्चर के बारे में बोल रहे हैं। ओके कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर, राइट आंसर देखेंगे क्या है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। ओके ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, इसको जरूर याद रखिए। ओके ऐसा टाइप का फ्रैक्चर को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलेंगे। ओके मीन एक ठो बोन जो रहेगा बोन में लॉन्ग प्लेन में रहेगा उसमें अदर बोन जिसका अटैच हुआ है सच में ऐसा लगे राइट एंगल क्रिएट हुआ है। ओके वी आर लुकिंग राइट एंगल। ओके सो दिस काइंड ऑफ फ्रैक्चर जिन्होंने ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलेंगे। ओके देखो ये नेक्स्ट हमको एक्सरे में देखो पूरा पूरा क्लियरली विजिबल पता चले, डी नहीं होगा डियर। डी किस लिए नहीं होगा, कॉम्पाउंड फ्रैक्चर जो होता है वो ओके ओपन फ्रैक्चर होता है। यहाँ पर तो ये तो इनसाइड द स्किन में है, इनसाइड द मसल में है, इसका कोई भी बाहर को नहीं निकला है। अगर बाहर को निकल गया होता तो उसको हमको ओपन फ्रैक्चर बोल सकते थे या उसको कॉम्पाउंड फ्रैक्चर बोलते थे। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अभी हम जाएंगे। ओके डोंट वरी। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू एड में देखेंगे। देखो ये देखो यहाँ पर हमको टार्सल बोन मेटाटार्सल देखो, उसके बाद फालेंजेस, ये जो ये बोन जो है फालेंजेस मेटाटार्सल में देखो हमको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमको टीनी क्रैक्स देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, टीनी क्रैक्स देखने को मिल रहा है। ओके किस लिए टीनी क्रैक्स देखने को मिल रहा है, ओके जो बोन शरीर का बेसिकली कौन सा बोन, लोअर लेग्स, उसके साथ साथ फुट, ये ज्यादा वेयर बियर करता है, ज्यादा वेयर बियर करता है। ओके मीन बियर का मतलब क्या है, कैरी करता है, इसलिए शरीर का जितना वजन है दोनों ही मीन दे आर की दे आर बियरिंग देर सो है दे आर में भी दो चांसेस हो। ओके टीनी क्रैक्स, ओके टीनी क्रैक्स हमको देखने को मिलेगा, वेदर द मेटाटार्सल वेदर द टार्सल या पैलेंजेस में देखने को मिलेगा या लोअर लेग में, टीबिया में हो या फिबुला में हो। ओके इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा टाइप का ये फ्रैक्चर है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, जो इमेज में दिया गया है आप लोग देखते हैं। ओके तो जब भी आप लोग देखेंगे पता चल जाएगा ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है। ओके सो ए ऑप्शन में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, बी ऑप्शन में ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर, सी ऑप्शन में स्ट्रेस फ्रैक्चर, डी ऑप्शन में ऑब्लिक फ्रैक्चर। ओके तो कुछ मीन हम उठा रहे हैं कुछ हम ओके मीन हमारा शरीर को क्या वजन और थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं या हमारा शरीर का वजन ओके जो मैं बोला लोअर लॉक है या फूड हुआ इन लोग क्या कर रहे हैं बियर कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या कभी कभार फ्रैक्चर होने का भी ज्यादा चांसेस रहता है। ओके कहाँ कि ऊपर से हम थोड़ा प्रेशर में दे दिए उसके वजह से हमको टीनी क्रैक्स भी देखने को मिलेगा, जो कि किसके वजह से होता है, उस फ्रैक्चर का नाम क्या है, ट्रेस फ्रैक्चर है, वो फ्रैक्चर का नाम क्या है, ट्रेस फ्रैक्चर। ओके सो द आंसर विल बी द ट्रेस फ्रैक्चर, इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके उसके बाद हम देखेंगे नाइन में। ओके ऑलरेडी आई हैव गिवन योर लुक योर, ओके ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ। ओके सपोज ये है देखो ये आपका नी जॉइंट है, ओके ये कौन सा जॉइंट है, नी जॉइंट है। ओके देखो यहाँ पर टीबिया, ओके मेन ये जो है ये एंटीरियर लिए है और ये जो ये है पोस्टीरियर लिए, देखो ओके ये जो है ये एंटीरियर है और पेंटीमेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके देखो यहाँ पर मेडियल कौन सा होगा, कौन सा बोन मेडियली है, एक तो देखो टीबिया है एक तो फिबुला है, देखो एक तो टीबिया है और एक तो फिबुला है। ओके तो देखो टीबिया बोन जो हमको देखने को जो मिल रहा है, ओके टीबिया बोन में देखो कैसा टाइप का फ्रैक्चर हुआ है। ओके मीन ऐसे यहाँ पर देखो ये सब कुछ टीबिया बोन हो गया, यहाँ पर हमको ऐसे टाइप का फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है, तो कौन सा टाइप का फ्रैक्चर होगा, ऑलरेडी मैं मेंशन कर दिया हूँ, मीन्स ओब्लिक। ओके ओब्लिक देखो यहाँ पर भी देखने को मिला, यहाँ पर भी ओके देखने को मिला, मीन हम लैटरल साइड में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो इसका फ्रंट पार्ट में ये जो बोन है टीबिया का, इसका फ्रंट पार्ट ये एंटीरियर पार्ट है, उसके बाद पीछे जो पार्ट है उसको पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं और ये साइड में जो है इसको लैटरल पार्ट बोलते हैं, तो लैटरली हम देख रहे हैं, ये लैटरल व्यू है। ओके देखो कभी कभी बोलते हैं कि एपी करना है, एपी का मतलब है एंटीरियर पोस्टीरियर करना है, उसके बाद कभी कभी बोलते हैं कि ओके इसका एलए करना है, लैटेरो ओके लैटेरो एंटीरियर करना है। ओके ये ऐसे भी बोला जाता है, कभी कभी पीए भी बोला जाता है, पोस्टीरियर एंटीरियर भी बोला जाता है।
तो डिफरेंट एंगल में हमको क्या, डिफरेंट साइड में हमको बोन को देखना है। ओके तो दिस वन इज द राइट आंसर, दैट इज ऑब्लिक फ्रैक्चर है। इसको जरूर याद रखिए माय डियर फ्यूचर लर्निंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 10 में देखो। ओके नंबर 10 में यहाँ पर देखो वही टीबिया फिबुला का हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो कुछ फोर्स के वजह से क्या हो गया है। ओके कुछ फोर्स के वजह से रोटेट हो गया है। ओके देखो ये यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फ्रैक्चर देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर मीन ये सेफ पर्सन है, ये जो पर्सन है ये सेव्ड बोला जाता है, ये बोन का क्या बोला जाता है, सेव्ड बोला जाता है। और ये जो ये पर्सन जो है ऊपर का पर्सन जो होता है मीन सुपीरियर पार्ट जो है बोन का उसको प्रोक्सिमल, ओके प्रोक्सिमल बोला जाएगा, प्रोक्सिमल पार्ट। उसके बाद ये डिस्टल पार्ट रहेगा उसी हिसाब से प्रोक्सिमल है। ओके ये डिस्टल हेड रहेगा। ओके जो मिडिल में रहेगा उसको सेव्ड बोला जाता है बोन का, इसको जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, ओके आइडेंटिफाई द बोन फ्रैक्चर, क्या हमको आइडेंटिफाई करना है, बोन फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करना है। ऑकरिंग व्हेन टॉर्क और ए रोटेटिंग फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द एक्सिस ऑफ ए बोन। ओके बोन का एक्सिस में हम क्या कर दिए हैं, रोटेटिंग फोर्स अप्लाई कर दिए हैं, जिसके वजह से क्या होगा बोन थोड़ा रोटेट हो गया, रोटेट की वजह से फ्रैक्चर हो गया। तो कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, अभी हम देखेंगे। ए ऑप्शन में स्पायरल फ्रैक्चर, बी ऑप्शन में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओके सी ऑप्शन में कंपाउंड फ्रैक्चर, ओके उसके बाद ये डी होगा। ओके अनफॉर्चुनेटली आई हैव रिटेन हियर, ओके ये डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन में इंपैक्टेड फ्रैक्चर है। ओके इंट्रैक्टेड फ्रैक्चर है। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ओके यहाँ पर क्या होगा। ओके हम फ्रैक्चर बोल रहे हैं, सेट में हमको देखने को मिला, उसके बाद नियर टू द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फिबुला में हमको वहाँ पर भी देखने को मिला। हमको देखने को मिला। सो कंपाउंड नहीं होगा डोर, कंपाउंड जो होता है डियर कंपाउंड को ओपन बोला जाता है। हम बताएंगे इसके बारे में। कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे, ओपन फ्रैक्चर भी बोला जाता है। ओपन फ्रैक्चर किस लिए बोला जाता है मैं बताऊंगा, इसके डिटेल्स हम आएंगे। डिटेल्स हम आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा थोड़ा हम देखते हैं। सो आंसर विल बी द स्पायरल फ्रैक्चर, वेरी गुड, ट्रिपोलेशन खान इज गिविंग द राइट आंसर डियर, स्पायरल फ्रैक्चर बोला जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ जैसे ऐसे फ्रैक्चर हुआ है जस्ट लाइक ए स्पायरल हिसाब से। मैंने ऐसे रोटेट 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 होके हुआ है देखो। जस्ट लाइक ए रोटेटिंग हिसाब से हुआ है। ऐसे हुआ है। वी विल अज्यूम लाइक दैट, क्योंकि हमको अजम्पशन करना है, इसका मतलब नहीं मैं जैसे कर दिया वैसे है, जस्ट वी आर अज्यूमिंग, जस्ट लीजिए हम कुछ फोर्स दिए हैं रोटेट होके थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। कंपाउंड नहीं होगा, कंपाउंड नहीं होगा। आंसर विल द स्पायरल फ्रैक्चर होगा। कंपाउंड को बताऊंगा, इसका डिटेल्स है डी और मैं बताऊंगा आप लोगों क्लियर के क्लियर हिसाब से। उसके बाद देखेंगे हम 11 में देखो, आइडेंटिफाई द ब्रेक और स्प्लिंटर ऑफ द बोन इनटू मोर देन टू फ्रैगमेंट इन दिस पिक्चर। देखो यहाँ पर ये एक्सरे ए है, वन है, एक्सरे टू है। देखो हमको इसमें पता चल रहा है कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है पता चल जाएगा। ये ऑप्शन में स्पायरल फ्रैक्चर, स्पायरल फ्रैक्चर तो नहीं है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, उसके बाद स्पायरल फ्रैक्चर डबल लिख दिया हूँ। तो दोनों नहीं होगा। उसके बाद डी ऑप्शन में कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। तो ये फ्रैक्चर में क्या हुआ है मीन जो फ्रैक्चर हुआ है उसमें जो बोन का जो फ्रैगमेंट है मोर देन टू है फ्रैगमेंट। यहाँ पर हमको कितना कितना पीस देखने को बोन का मिल रहा है। वी आर सीइंग द डिफरेंट फ्रैगमेंट और डिफरेंट पीसेस ऑफ द टीबिया एंड फिबुला, टीबिया एंड फिबुला का हमको डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट देखने को मिले जो कि मोर देन टू है। थैंक यू वेरी मच डियर, आप लोगों का ऐसे प्यार रहते रहे, सपोर्ट करते रहिए। और मैं आप लोगों के लिए मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए अच्छा मटेरियल मैं लेके आऊँ, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे इट विल बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो यू हैव टू गिव योर 100% इन स्टडी। पढ़ना मत भूलना, परिश्रम करना मत भूले माई डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर।
सो ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है अभी हम देखेंगे। ओके, ऐसा टाइप का अगर फ्रैक्चर होता है, कोई भी अगर कोई भी फ्रैक्चर अगर मोर देन टू फ्रैगमेंट्स होता है उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर? ओके, मोस्ट ऑफ देम हैड पुट पुट योर आंसर हैज ऑलरेडी पुट। ओके, 11D अभिषा, सुमति बाग, हिमांशु शेखर मिश्र। ओके, ऑल आर टेलिंग दैट इज कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। ओब्वियसली यू आर गिविंग द राइट आंसर डियर। ओके, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है पहले से, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर के बारे में भी बोल चुके हैं, स्पायरल फ्रैक्चर तो नहीं होगा। ओके, क्योंकि स्पायरल फ्रैक्चर में रोटेटिंग फोर्स लगता है और टॉर्क के बोय से क्या होता है, फ्रैक्चर होता है। ओके, सो यू हैव गॉट दैट आंसर, वेरी गुड, इट इज ए वेरी गुड साइन डियर, ऑल आर गेटिंग द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू 12 नंबर, हम देखेंगे देखो। ओके, 12 नंबर में हम देखेंगे, ये देखो एक्सरे का एक फिल्म है। ओके, मैं लिया हूँ एक्सरे का एक फिल्म से जिसमें हमको देखो देखने को मिला बैंड हो गया है, ये जो बोन है ये बैंड हो गया है, उसके बाद क्या हुआ है, फ्रैक्चर हो गया है। ओके, ये कैसा टाइप का बोन होगा इसीलिए बैंड हुआ है, तो योर आंसर विल बी द सॉफ्ट बोन होगा। ओके, सॉफ्ट बोन किसका होता है, ज्यादा करके इन्फेंट का होता है और चाइल्डहुड पीरियड में होता है, इसीलिए ये बोन क्या हुआ है, ओके, बेंड हो गया है, उसके बाद फ्रैक्चर हुआ है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन ए में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बी में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सी में स्पायरल फ्रैक्चर, डी में कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। इसका जो 11 नंबर क्वेश्चन था कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर में, ओके, वही था देखो। ओके, तो ये नहीं होगा, स्पायरल फ्रैक्चर भी नहीं होगा। ओके, आपके पास अभी दो ऑप्शन है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है और अभी आपके पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर? ऑब्वियसली ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होगा। तो आपको पूछेगा, कोई अगर पूछता है भाईवा या ऐसे अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसमें, कौन सा एज ग्रुप में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए बेसिकली इट विल सीन इन इन्फेंट पीरियड और इन्फेंसी पीरियड एलोंग विद द चाइल्डहुड पीरियड। ओके, इसको जरूर याद रखें, 0 डे से स्टार्ट करके अप टू 1 ईयर को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, इसको जरूर याद रखना है माय डियर फ्यूचर और लविंग नर्सिंग ऑफिसर। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड वी मे सी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ओके, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इसको जरूर याद रखना, मोस्ट ऑफ देम है देवाशीष मुदली ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर डियर, वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन, अभिषा, ओके, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, ट्रिपल एस खान, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। नेक्स्ट विल कम बैक टू, इसका आंसर भी यहाँ पर पुट अप कर दिया हूँ, थोड़ा देख लो, क्योंकि जो लिखा जाता है वो माइंड में रह जाता है। ओके, कोई चीज को हम देख लेते हैं, जैसे हम फिल्म देखते हैं, फिल्म कितने याद रहता है, पूछेंगे अरे गदर में क्या हुआ था, सोनी देओल क्या किया था। ओके, मीन ऐसे पूछेंगे तो आप लोग आंसर देंगे, सर ऐसे किया था, ओके, मीन ऐसे मीन उनके साथ लड़ाई हुआ, ये हुआ वो हुआ, बोल क्या बोल देंगे। इसलिए आपको जो चीज देखते भी हैं उसके बाद सुनते भी हैं, माने यू आर लिसनिंग ऑल्सो यू आर वॉचिंग ऑल्सो, दैट्स व्हाई यू आर रिमेम्बरिंग, दैट्स व्हाई यू आर रिमेम्बरिंग। इसीलिए कोई भी चीज पढ़ेंगे अभी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड हम इमेज के साथ पढ़ेंगे, जो कि आपके माइंड में रह जाएगा, एक तो इमेज क्रिएट हो जाएगा। ओके, दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो हियर आंसर होगा, ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू, ओके, देखो 13 नंबर में, 13 नंबर में आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर बोला हूँ, क्या बोला हूँ, ये फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करो, इसमें क्या हुआ है, ओपन वाउंड हुआ है, देखो ओपन वाउंड हुआ है, जस्ट नियर टू द रिस्ट, रिस्ट जॉइंट में, नियर टू द रिस्ट जॉइंट में देखो क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। ओके, जिसमें क्या हुआ है, बोन बाहर को निकल आ गया है। ओके, बाहर को निकल गया है। ओके, तो ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर होगा माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर? ए ऑप्शन में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, बी ऑप्शन में ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सी ऑप्शन में कॉम्पाउंड फ्रैक्चर, डी ऑप्शन में कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर? मैं बोला था आप लोगों को कि अगर कोई भी अगर फ्रैक्चर होता है, कोई भी अगर फ्रैक्चर होता है वो ओपन बाहर को निकल जाएगा, ब्लीडिंग होगा, बोन बाहर को पियर्स करके निकल जाएगा, तो वैसे टाइप का फ्रैक्चर को हम बोलते हैं कॉम्पाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर फ्यूचर लविंग? कॉम्पाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर भी आप बोल सकते हैं। ओके, ओपन फ्रैक्चर भी इसको बोल सकते हैं, इसको जरूर याद रखो, जरूर याद रखो।
ओके, कभी कंफ्यूज नहीं है। कंपाउंड का मतलब हम क्या समझ लेते हैं, अरे छोटा छोटा थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा हो गया होगा बोन। ओके, ऐसा नहीं सोचना है, हमेशा ऐसा नहीं सोचना है, छोटा छोटा टुकड़ा होकर हो गया होगा तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, ऐसे नहीं होता है। ओके, कंपाउंड का मतलब यहाँ पर हमको समझना है, ओपन है, सो दैट आंसर विल बी ऑल्सो कंपाउंड फ्रैक्चर। ओके, यू हैव टू, ओके, ये सीन को या ये इमेज को माइंड में पूरा रख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फटाफट आंसर देना है। ओके, यू कैन रिट्राइव फ्रॉम योर एमिगडाला, हिपोकैम्पस में आप रिट्राइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू 14 नंबर देखेंगे। ओके, ये टैप को आप लोग आइडेंटिफाई करिए। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टैप। ओके, आइडेंटिफाई द टैप व्हिच मेजर द अपर आर्म सर्कमफेरेंस ऑफ सिली रैम, अपर आर्म सर्कमफेरेंस ऑफ सिली रैम, बट ऑल्सो दैट ऑफ प्रेगनेंट वुमेन को भी ये किया जाता है, मेजर किया जाता है, किस लिए, माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, माई डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग। सो ये क्या होगा, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस टैब, आप लोग पढ़े हैं। ओके, पीपल नो बेटर। ओके, सो आई एम जस्ट कमिंग टू दैट। ओके, ऑप्शन के तौर पर MAC मिड आर्म सर्कमफेरेंस टैब, बी ऑप्शन में MUSC मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस टैब, उसके बाद सी ऑप्शन में USC अपर आर्म सर्कमफेरेंस टैब, डी ऑप्शन में AC आर्म सर्कमफेरेंस टैब। सो व्हाट विल बी योर आंसर माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, पुट योर आंसर, पुट अप करिए क्या हो सकता है। ओके, MUSC, वेरी गुड डियर, वेरी गुड डियर प्रचेष्टा उड़ीसा, यू आर गिविंग द राइट आंसर डियर सुमति बाग, बी, इसको याद रख लेना है, याद रख लेना है। ओके, ये आंगनवाड़ी सेंटर में किया जाता है। ओके, जो ग्रोथ चार्ट मेंटेन किया जाता है, रोड टू हेल्थ चार्ट भी बोलते हैं, उसमें MUSC चार्ट का, ओके, उसमें मेजर किया जाता है, इसको जरूर याद रखना, मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, 14A बोले हैं, SSS खंड। ओके, कोई बात नहीं। ओके, इसको जरूर याद रखना है। ओके, सो द आंसर होगा MUSC टैप, हमेशा क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग। अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग। नेक्स्ट विल कम बैक टू 15 नंबर क्वेश्चन देखो। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, आइडेंटिफाई करो। ओके, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, आइडेंटिफाई करो, बाद में उसके बाद में ऑप्शन दूंगा। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नॉन इन्वेसिव मेथड, ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। ओके, फॉर मॉनिटरिंग ए पर्सन ऑक्सीजन सेचुरेशन इन दिस पिक्चर। ओके, COVID-19 के टाइम में, ओके, पैंडेमिक कोविड के टाइम में इसका जरूर मीन ज़्यादा इसका व्यवहार हुआ था। ऑनलाइन से नॉन्टिल यू आर यूजिंग इन द कैजुअलिटी एलॉन्ग विद द डिफरेंट वार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल फॉलोड बाय द, ओके, डिफरेंट इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके बाद, ओके, ज़्यादा करके ऑपरेशन थिएटर। तो जितना भी हम हॉस्पिटल में देखेंगे इसको ज़्यादा व्यवहार किया जाता है, बट anyway, इसका ज़्यादा था, ओके, पल्स ऑक्सीमीटर होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा, पल्स ऑक्सीमीटर होगा। ओके, योर आंसर विल बी द पल्स ऑक्सीमीटर, क्योंकि ये जो थोड़ा रिलायबल होता है एज कम्पेयर टू अदर, ये थोड़ा रिलायबल लगता है। ओके, रिलायबल लगता है, इसको जरूर याद रखना है। ओके, सो द आंसर विल बी द पल्स ऑक्सीमीटर, ऊपर में भी मेंशन कर दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू 16 नंबर देखेंगे। ओके, 16 नंबर में, ओके, ऑलरेडी दिया गया है, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर देखो, ऑलरेडी मैं दे दिया हूँ, इसको जो बोला जाता है ये डॉपलर डिवाइस है। ओके, डॉपलर फिटोस्कोप बोला जाता है, और ये भी डॉपलर फिटोस्कोप है। इसमें क्या क्या जाता है, हम बेबी का हार्ट साउंड को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। ये एक तो अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है डॉपलर फिटोस्कोप बोला जाता है। ओके, जहाँ पर गायनिक वार्ड रहेगा या ऑब्स्टेट्रिक वार्ड रहेगा, ओके, वहाँ पर, ओके, ये डॉपलर फिटोस्कोप रहेगा। उसके बाद ये तो आपका डिजिटल वाला है, डॉपलर वाला है, जो हम क्या मैनुअली जो करते हैं उसको पिनार्स फिटोस्कोप बोला जाता है। पिनार और पाइनार, जो जैसा प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर रहे हैं, पाइनार, PINARD बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, PINARD बोलते हैं, पाइनार और पिनार फिटोस्कोप बोला जाता है, इसको जरूर याद रखिए, फिटोस्कोप।
ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो ये जो वार्मिंग डिवाइस है इसका नाम क्या है, आइडेंटिफाई करिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस, वार्मिंग डिवाइस व्हिच इज यूज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। ओके, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये डिवाइस व्यवहार किया जाता है, इसका नाम क्या है, आप लोग खुद ही आंसर दे दीजिए, मैं इसका ऑप्शन देना नहीं चाहता हूँ। ओके, आप लोग आंसर दे दीजिए। ओके, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, आंसर दे दीजिए क्या होगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम क्या है, आप लोग ही आंसर दे दीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेडिकल डिवाइस, क्या होगा। ओके, सो यू पीपल आर नॉट आंसरिंग, जस्ट आई एम गोइंग थ्रू द रेडिएंट वार्मर, वेरी गुड। ओके, सुमति बाग इज टेलिंग रेडिएंट वार्मर, वेरी गुड। ओके, रेडिएंट वार्मर और इज ऑल्सो इनक्यूबेटर भी बोला जाता है, इसको जरूर याद रखिए। सो योर आंसर विल बी द रेडिएंट वार्मर एंड इनक्यूबेटर भी बोला जाता है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, इसको जरूर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू 18 नंबर में देखेंगे, देखो। ओके, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो कि विजुअल एग्जामिनेशन किया जाएगा, विजुअल एग्जामिनेशन किसका किया जाएगा, थ्रोट का बैक साइड को, मीन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थ्रोट। ओके, हुएर, जहां पर हमको क्या देखना है, वॉइस बॉक्स को देखना है, वॉइस बॉक्स किसको बोला जाता है, लैरिंग्स को बोला जाता है। ओके, लैरिंग्स क्या कंटेन कर रख के रखता है, वोकल कॉर्ड्स, क्या रहता है माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर, वोकल कॉर्ड्स रहता है। ओके, वो मीन लोकेटेड है या नहीं उसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट व्यवहार किया जाता है, वेरी गुड प्रोचेस्टा, उड़ीसा इज टेलिंग रेड। ओके, लारिंगोस्कोप, वेरी गुड सुमति बा। ओके, ऑल आर गिविंग दैट इज राइट आंसर, लारिंगोस्कोप। ओके, सो ये इंस्ट्रूमेंट देख लेने से और याद रह जाएगा, इसलिए मैं इसको पुट अप किया, नाले एवरीवन इज गेटिंग दैट, अभिषा आराधना। ओके, यू आर ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर डियर। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू 19 नंबर देखेंगे। ओके, 19 नंबर में देखो, आइडेंटिफाई द मेडिकल डिवाइस, आइडेंटिफाई, ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करो जिसमें हम ईयर को देखते हैं। ओके, ईयर को देखते हैं। ओके, कुछ परफोरेटेड वगैरह हो गया है क्या, ईयरडम जो है, ओके, वो परफोरेशन हो गया है क्या, या इम्पैक्टेड सेरुमेन है क्या वहाँ पर। ओके, ये सब चीज देखने के लिए, ओके, इसको व्यवहार किया जाता है, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेडिकल डिवाइस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेडिकल डिवाइस। ओके, ए ऑप्शन में लारिंगोस्कोप, बी ऑप्शन में ओरिस्कोप, ओके, सी ऑप्शन में प्रोक्टोस्कोप, डी ऑप्शन में फिटोस्कोप। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो ऑटोस्कोप तो है यहाँ पर, तो आंसर उसे नहीं दिया गया है, सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू हैव टू आंसर, इसको तो ऑटोस्कोप है, यहाँ पर तो क्या होगा, ऑटोस्कोप बोल रहे हैं सब, बट यहाँ पर मैं तो नहीं दिया हूँ ना, ऑटोस्कोप नहीं लिखा, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द, ओके, नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसका नाम क्या है, मैं ऑप्शन में मेंशन नहीं किया हूँ ऑटोस्कोप बोल के, ऑटोस्कोप नहीं, ओके, प्रोक्टोस्कोप नहीं होता है डियर। ओके, प्रोक्टोस्कोप तो आप रेक्टम को देखेंगे, ओके, रेक्टम मेनस को देखेंगे। ओके, ओके, समवन हैज गिवन द राइट आंसर दी ओरिस्कोप, देखो हम कैसे कंफ्यूज हो रहे जा रहे हैं। ओके, साना साना ऑल्सो गिविंग द राइट आंसर। ओके, हम जानते हैं ये ऑटोस्कोप है, जब हम पूछ लेते हैं कि ये क्या है इसका नाम, तो इसका को ओरिस्कोप भी बोला जाता है, जैसे मैं आप लोगों को पूछूंगा अरे अम्बिलिकल का, अम्बिलिकल कॉर्ड का अदर नेम क्या है, फ्यूनिस भी बोला जाता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, योर आंसर विल बी द फ्यूनिस, एफ यू एन आई, जैसे फेलोपियन ट्यूब का अदर नेम क्या होगा, यूट्राइन ट्यूब बोला जाता है। ओके, 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 कोई बात नहीं, जब भी आप लोग आंसर दे रहे हैं डियर, हमेशा हमेशा मेरा एक कहने का आप लोगों को है कि हमेशा क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, कोई ऑप्शन को, जो ऑप्शन नहीं है को स्ट्राइक आउट कर दीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए जो रह जाएगा, क्योंकि क्या होता है, गलत आंसर दे दे के हमारा एक तो अभ्यास हो जाता है, इसीलिए
गलत आंसर नहीं देना है, हमको हमेशा राइट आंसर देना है। ओके नेक्स्ट विल कम बैक टू 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देखो, आइडेंटिफाई द मेडिकल इल्यूमिनेटेड ऑप्टिकल टिपिकली सिलेंडर है, ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट है। ओके ये टाइप ऑफ बोरोस को भी बोल सकते हो, जो शरीर का डीप पोर्शन को देखने के लिए, जैसे ओके स्टोमक हो गया या इसोफेगस हो गया। ओके तो यहाँ पर देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट व्यवहार किया जाता है। ओके इसको देखने के लिए इसको व्यवहार किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम क्या है। सो पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग। योर आंसर विल बी द ए ऑप्शन में एंडोस्कोप, बी ऑप्शन में ओरिस्को, सी ऑप्शन में प्रोक्टोस्को, डी ऑप्शन में फ्यूटोस्को। सो योर आंसर होगा, आप लोगों का आंसर क्या होगा। ओके आंसर क्या होगा, आंसर विल बी, ओके आंसर विल बी क्या होगा, आंसर होगा इसका एंडोस्को होगा। ओके इसको जरूर याद रखना है। ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके आंसर विल बी द एंडोस्कोप होगा, ये इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे ओके एंडोस्कोप बोलेंगे। वेरी गुड, ट्रिपल एस काम। ओके साना साना सुमति बाग, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर डियर। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते रहिए, प्रैक्टिस होते रहेगा, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना मत छोड़िए। जब भी मौका मिला, जहाँ भी मौका मिला वहाँ पर पढ़ लीजिए, जहाँ भी मौका मिला जो भी चीज़, ओके अदर नर्सिंग हो कि मेडिकल साइंस का जो भी चीज़ अगर पढ़ने का अगर मिला मौका तो आप पढ़ लो, वो चाहे सोने के टाइम हो या खाने के टाइम हो। ओके ऐसा हो गया ना अभ्यास, मेरे को नहीं लग रहा है कि आप, ओके यार 6 महीना के अंदर अगर वैकेंसी निकलता है अगर डाले हैं तो आपका जरूर जॉब है, ये 100% है। ओके क्योंकि जब पढ़ाई के साथ हमारा प्यार हो जाता है ना, तो पढ़ाई भी एक तो क्या हो जाता है, हमारा एक तो माइंड उधर चला जाता है। सो इट इज़ वन काइंड ऑफ लव रिलेशनशिप बिटवीन द लव रिलेशनशिप बिटवीन द बुक्स एलॉन्ग विद द स्टडी एंड यू, वी शुड क्रिएट दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। उसी हिसाब से हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ओके 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 साना साना आप लोगों का मैं कर दूंगा डियर। ओके ओके आप लोगों का मैं इग्नो का डाल दूंगा। ओके ऑलरेडी हैव प्रिपेयर्ड। ओके ऑलरेडी इसको मैं डाल दूंगा। ओके थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, सी यू टुमारो एट 2:30 PM।